में लक्ष्मी तुम लड्डू इतना स्वादिष्ट बनाई हो ना, खाके मुझे कुछ याद आ गया। क्या याद आया जी? जब मैं छोटा था, स्कूल में पढ़ता था, तब माँ मुझे ऐसे ही लड्डू बना कर देती थी और मैं खाते खाते स्कूल चला जाता था, वही याद आया। और मेरे लड्डू का स्वाद? जैसा मेरी माँ बनाती थी। सच में? क्या? हाँ सच में। क्यों, माँ की तारीफ सुनकर तुम्हें जलन हो रहा है? पागल बेटा, बहू क्यों जलेगी? बहू ही तो आके बोली है कि तेरे लिए लड्डू बनाए। बोल रही थी बहू कि तू मेरे लड्डुओं को बहुत याद करता है। रहने दीजिए माँ जी, मत बोलिए, मैं बहू हूँ ना, इसीलिए सोचते हैं कि मैं बहुत जलती हूँ। बस बस रहने दो, तुम लोगों के झगड़े कभी खत्म नहीं होगा, मेरी बात सुनो तुम। हाँ कहिए। सोच रही हूँ कि गुरुदेव को दशहरे के समय में अपने घर बुलाऊं। बोलो बेटा, बुलाऊं मैं? हाँ हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है, गुरुदेव आएंगे। क्या सच में गुरुदेव आएंगे हमारे घर? हाँ हाँ हाँ, गुरुदेव आएंगे हमारे घर तो हमारा घर बहुत पवित्र हो जाएगा। सुनिए जी, जल्दी से गुरुदेव को बुलवा लीजिए। ललिता माँ, मैं आ गया। अरे गुरुदेव, आइए आइए, अंदर आइए। बहू कहाँ हो, आओ, गुरुदेव आए हैं। अच्छा, यही है तुम्हारी बहू? जीती रहो बेटी, जीती रहो। ललिता, मुझे घर में नहीं बुलाओगी? हाँ हाँ गुरुदेव, अंदर आइए आइए। सच में ललिता माँ, तुम्हारे तालाब के पानी से नहाकर मेरा थकान दूर हो गया। अब मैं पूजा कर लेता हूँ, तुम मेरे खाने पीने का बंदोबस्त कर दो। तो क्या खाएंगे गुरुदेव, मोहन भोग या फल? नहीं ललिता माँ, मैं वो सब नहीं खाऊंगा। तुम मेरे लिए खीर, दूध और फल दे दो, मैं वही खाऊंगा। जाओ ललिता माँ। जी गुरुदेव, आओ बहू आओ। हाँ, ये क्या, दूध खीर फल ये सब खाएंगे? मना मत कर बेटा, जा ले आ। माँ आप मुझे लाने के लिए कह रही है, आपको पता है इसमें कितना खर्च है? हाँ बेटा समझ रही हूँ, बहुत खर्च है, लेकिन मना मत कर बेटा, गुरुदेव है ना, कुछ ही दिन तो यहाँ रहेंगे, उनके खाने पीने का बंदोबस्त कर दे बेटा। ठीक है माँ, ला देता हूँ। लक्ष्मी, रोज रोज ये दूध फल में कहाँ से लाऊं? हाँ कर्ज में डूब गया हूँ। ये क्या जी, कर्ज में डूब गए हैं? झूठ बोल रहा हूँ। आप कर्ज में डूब गए हैं, इसका मतलब मेरा क्या हालत होगा है पता है? दिन रात चूल्हे के पास बैठना पड़ेगा मुझे। गुरुदेव कब जाएंगे? इस महीने के बाद जाएंगे। इन्हें भागना होगा। चुप हो जाइए, चुप हो जाइए, माँ सोई है, सुन लेंगी तो उन्हें दुख होगा। माँ तलन थेवा तलते तलते मेला हाथ दर्द हो गया, अब नहीं तलूंगा। जा बेटा और दबा दे जा। नहीं नहीं मैं नहीं दबाऊंगा दाइये। चरण सेवा, किसका चरण सेवा? गुरुदेव का और किसका, जब तक उनका चरण सेवा ना हो तब तक उन्हें नींद नहीं आती। रोज रोज मोहन उनका पैर दबाता है, क्या करूं? आये मैं कुछ सोचा हूँ।
गुरुदेव को भगाना नहीं होगा, वो खुद भाग जाएंगे। सुनो, क्यों, कैसा लगा? बहुत अच्छा। ठीक है तो चल फिर। बेटा मोहन क्यों रुक गए, पैर दबाओ। दबा रहा हूँ गुरुदेव। अरे मोहन बेटा इतना तेज मत दबाओ, पैरों में लग रहा है। आ तुम कौन हो? मैं दूत हूँ, तुझे लेने आया हूँ। मुझे? हाँ तुझे। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। भागो यहाँ से, भागो। कौन किसको टोपी देता, कौन किसको धोखा देता, कौन चोर कौन है साधु, कौन है सच्चा कौन है झूठा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। थोड़ा खट्टा थोड़ा मीठा, सच्ची बातें कहानी में लिपटा, खुशियों की सौगात लेकर हंसी का तोहफा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। ऐसा चरित्र बड़ा ही विचित्र, ठुमक ठुमक कर कर देखो नृत्य। ऐसा चरित्र कानों से सुनो जरा, छुप छुप सोचो जरा, आंखों से देखो जरा। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। बोलेगा गोपाल भाड़, आएगा गोपाल भाड़, देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। सब्सक्राइब करूँ www.youtube.com/angelkids